आज मनीष सिसोदिया को ईडी ने एक लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया। वो मनीष सिसोदिया, वो अरविंद केजरीवाल जो हर चार दिन बाद आकर के अपने को क्लीन चिट दे देते हैं, हर चार दिन बाद आकर अपने को ये सिद्ध कर देते हैं कि हमारे खिलाफ कुछ नहीं निकला, और जब पूछताछ होती है तो परत दर परत, कड़ी दर कड़ी खुलती जाती है, और इनके व्हाट्सएप चैट से लेके मनी लॉन्ड्रिंग तक इनके पास अपनी बेगुनाही में कोई भी जवाब नहीं होता है। ऐसे में कानून तो अपना काम करेगा। आज ईडी के द्वारा एक लंबी पूछताछ के बाद मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी ईडी के द्वारा भी यह स्पष्ट करती है कि भ्रष्टाचार की जड़ें बहुत गहरी है। दोस्तों, ये लोकतंत्र है, यहां भ्रष्टाचारी चाहे कितना भी बड़ा हो, भ्रष्टाचार की जड़ें चाहे कितनी भी बड़ी हो, जांच एजेंसियों को आप डरा धमका नहीं सकते, दबाव नहीं बना सकते, और दूध का दूध पानी का पानी होगा ही होगा। जो जो दोषी हैं वो पकड़े जाएंगे, और अगर कोई निर्दोष होगा तो उसको कोई तकलीफ भी नहीं होगी। जय हिंद।